गर्मी के मौसम में अक्सर लोगों के हाथ के साथ साथ पैरों में भी जलन होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में कभी कभी यह समस्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि तलों में जलन की वजह से बेचैनी होने लगता है। दोस्तों, इस जलन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको हाथ पैर के तलों में जलन के लिए बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी बताने वाला हूँ। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि हाथ पैर के तलों में जलन होती क्यों है, आखिर इसके पीछे का क्या कारण है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आपको डाइट में ऐसी कौन सी चीजें शामिल करनी है जिससे आप हाथ पैर के तलों के जलन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। सबसे पहले कारण की बात करूं तो डायबिटीज। जी हाँ, अगर शुगर लेवल शरीर में कम हो जाए ना या फिर बढ़ जाए तो हाथ पैर के तलों में जलन की समस्या देखी जाती है। अगर आपको हाथ पैर के तलों में जलन की समस्या हमेशा रहती हो तो एक बार शुगर लेवल जरूर जांच करवा लीजिए। इसके अलावा शरीर में अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए ना तो झुनझुनी के साथ साथ यानी कि नमनेस के साथ साथ हाथ पैर के तलों में जलन होता है। इसके अलावा अगर थायराइड हार्मोन का स्तर कम हो तो भी पैरों में जलन की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा दवाओं के दुष्प्रभाव की वजह से भी हाथ पैर के तलों में जलन होती है। इसके अलावा अगर हाई बीपी की समस्या हो तो भी हाथ पैर के तलों में जलन की समस्या होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डाइट का खास ख्याल रखना है। अगर आप वेजिटेरियन है ना तो आप अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिए। वेजिटेरियन लोगों को दूध, दही, पनीर, चीज, मक्खन, सोया मिल्क या फिर टोफू का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इसमें विटामिन B12 काफी मात्रा में होते हैं जिसकी कमी से हाथ पैर के तलों में जलन की समस्या देखी जाती है और साथ साथ में हमारे तंत्रिका तंत्र जो है ना, नर्वस सिस्टम है, वो भी कमजोर हो जाते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे, मछली, रेड मीट, चिकन और सी फूड वगैरह जरूर डाइट में शामिल कीजिए। चलिए, तो विटामिन B12 की बात होगी, अब मैं आपको होम रेमेडी बताता हूँ जिसका इस्तेमाल आपको रेगुलर करना है। मैं आपको यहाँ पर दो होम रेमेडी बताऊंगा और दोनों ही कमाल के रेमेडी हैं। दोनों ही रेमेडी आप एक समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। ये जो धागे वाली मिश्री होती है ना, ये नसों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप रोजाना एक गिलास दूध में मिश्री डालकर भी पी लेते हैं ना इस गर्मी के मौसम में, तो आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। यह शरीर में ठंडक भी पहुंचाता है और हीमोग्लोबिन लेवल को भी बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर हम मिश्री के साथ साथ दो और चीजों को ऐड करेंगे, वो है धनिया और सौंफ। धनिया, सौंफ और मिश्री, गर्मी के मौसम में ये तीनों ही चीजें किसी रामबाण से कम नहीं है। तीनों ही चीजों की जो तासीर है वो ठंडी होती है, जो गर्मी के मौसम में आपको बेहद ही फायदा पहुंचाते हैं। इन चीजों का अगर साथ मिलाकर खाते हैं ना तो इससे आपको बहुत जबरदस्त फायदा मिलता है। तो आपको करना क्या है, तीनों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में लेना है। 4 चम्मच सौंफ, 4 चम्मच धनिया के बीज और 4 चम्मच मिश्री लेंगे। अगर आप डायबिटिक है तो यहाँ पर मिश्री स्किप कर दीजिएगा, और मिठास कम करना चाहते हो तो यहाँ पर 4 चम्मच की जगह 2 चम्मच मिश्री भी ऐड कर सकते हो। अब क्या करेंगे, इन तीनों चीजों को ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे कि आपको धनिया को सेकना नहीं है, है ना। अगर आपको धनिया गीला लगे तो आप क्या कीजिएगा, इसे धूप में सुखा लीजिएगा और इन तीनों ही चीजों को मिक्स करके इसका पाउडर बना लीजिएगा। देखिए, जबरदस्त पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, ये जो औषधि है बहुत ही साधारण लग रहा होगा, बहुत ही इजी लग रहा होगा, तो ऐसा मत समझना कि ये काम नहीं करेगा। आप इसका इस्तेमाल करके देखना, बेहद ही जबरदस्त काम करता है ये औषधि। आपके हाथ पैर के तलों की जलन से छुटकारा देगा, साथ ही साथ पेट की गर्मी को शांत करेगा, शरीर की गर्मी को शांत करेगा। इसके अलावा डाइजेशन की समस्या है, अपचन की समस्या है, खट्टी डकार आती है, एसिडिटी होती है, तो इसमें भी ये फायदा करता है। चलिए, अब इसको लेना कैसे ये भी जान लीजिए, क्योंकि किसी भी औषधि को लेने का समय होता है और मात्रा होती है। आपको इसका 1 बड़ा चम्मच भर के लेना है और खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे चबा चबा कर खा लेना है। वैसे इसे दिन में 2 बार 3 बार भी इसका सेवन कर सकते हो। आप सुबह जब भी नाश्ता करते हो, नाश्ता करने के बाद आप 1 चम्मच ले लीजिए, 1 चम्मच आप दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद ले लीजिए, या फिर शाम को भी ले सकते हैं, है ना। दिन के समय में कभी भी इसे लिया जा सकता है। इसके साथ आपको दूध वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे लेने के बाद ऊपर से 1 कप पानी भी ले सकते हैं, या फिर पानी ना भी पिए तो भी चलेगा। इसे चबा चबा कर अच्छे से खा जाइए। ऐसा आपको 1 महीने तक लगातार करना है। अगर पाउडर कम पड़ता है तो आप दोबारा बना लीजिएगा। कोई ज्यादा महंगी चीजें नहीं है, बनाने में भी आसान है, और इससे जो आपको फायदा मिलेगा ना, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा मैं आपको दूसरे नुस्खे के बारे में बताता हूँ। हमें लेना है यहाँ पर लौकी। दोस्तों, यहाँ पर लौकी का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि लौकी जो है बहुत ही इफेक्टिव होता है हाथ पैर के तलों में जलन की समस्या को ठीक करने के लिए। ये हाथ पैर के तलों में जो सेंक निकलती है ना, गर्मी निकलती है, तो गर्मी को शांत करने का काम करता है लौकी। तो ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। आप लौकी को इस तरह से कट कर लीजिएगा, इतना ही बड़ा पीस कट कीजिएगा जिससे आप हाथ में पकड़ सकें।
कट करने के बाद आपको चाकू की मदद से इसे इस तरह से खुरदुरा कर लेना है ताकि इसका रस अच्छे से आपके तलों में जा सके, और इससे तलों की मालिश करनी है। इस तरह से आपको तलों पर रगड़ना है। जब आप रगड़ोगे ना तो 1 से 1.5 मिनट के बाद आपको बहुत ही अच्छा सुकून महसूस होगा। आप चाहो तो लौकी को पीस लेना, पीसकर इसका पेस्ट बना लेना, और पेस्ट भी आप इस तलों में अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही तरीकों से आप लौकी का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको हाथ पैर के तलों में जलन की समस्या, पेट में बहुत ज्यादा गर्मी की समस्या रहती है और काफी समय से है ना, हमेशा होती रहती है, 2-3 साल से परेशान है, तो 1 महीना लगातार आप सुबह सुबह खाली पेट लौकी का जूस पी लीजिए। सुबह खाली पेट लौकी का जूस पी लेंगे लगातार 1 महीने तक, तो तलों में जलन की समस्या आपको भविष्य में जिंदगी में कभी भी नहीं होगी। बहुत ही अच्छा औषधि है, इसका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन लौकी का जूस सिर्फ आपको गर्मी के मौसम में ही पीना है, क्योंकि लौकी की जो तासीर होती है ना, भयंकर ठंडी होती है। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हो, फीवर हो, तो यहाँ पर लौकी का जूस नहीं पीना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 नुस्खे बताए, जिसमें पहला नुस्खा बताया मिश्री धनिया और सौंफ का इस्तेमाल करना, इसका पाउडर बनाकर लेना है रोजाना 1 से 2 चम्मच। दूसरे नुस्खे में बताया आपको लौकी का इस्तेमाल करना है, लौकी का पेस्ट या फिर लौकी को कट करके इस तरह से हाथ पैर के तलों में रगड़ना है। और साथ में अगर हाथ पैर के तलों में जलन की समस्या बहुत ही पुराना हो, बहुत समय से हो, तो आप लौकी का जूस खाली पेट जरूर पिए, इससे फायदा मिलेगा। इसके अलावा B12 का खास ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 की कमी से ही हाथ पैर के तलों में जलन की समस्या ज्यादातर देखी गई है, ज्यादातर लोगों में इसकी कमी पाई गई है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।